ओके रोलिंग, चला रोल। सर आपण काल ट्वीट केलेला आहे आणि जम्मू काश्मीर देखील आणणार आहे, तर भारत जोडो यात्रा याच्यामध्ये तुम्ही सामील होणार काय? भारत जोडो यात्रामध्ये सहभागी होत आहे, जम्मू मधून होत आहे, याला काही कारण? संपूर्ण देश राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेमध्ये सहभागी झाल्याचं मी चित्र पाहिलं। नक्कीच राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत साधारण 4000 किलोमीटरचा पायी प्रवास केला आहे देशात, याचं कौतुक प्रधानमंत्र्यांनी करायला हवं। खरं म्हणजे या देशातल्या एक तरुण 4000 किलोमीटर कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत हजारो लोकांसह देशाच्या एकतेसाठी, या देशातली द्वेष सुडभावना नष्ट करण्यासाठी चालतोय आणि लोक त्याला पाठिंबा देत आहे। आणि या अशा यात्रेमध्ये सहभागी होणं हे प्रत्येक भारतीयाचं कर्तव्य आहे। महाराष्ट्रात जेव्हा ही यात्रा आली तेव्हा स्वतः आदित्य ठाकरे नांदेडला गेले आणि राहुल गांधी यांच्याबरोबर ते यात्रेत सहभागी झाले। आता यात्रेचा शेवटचा टप्पा आहे जम्मू काश्मीर, आणि माझं राहुल गांधी यांचं तेव्हा बोलणं झालं होतं मी शेवटच्या टप्प्यात येईन, कारण जम्मू आणि काश्मीर हा या देशासाठी अत्यंत संवेदनशील असा भूभाग आहे। आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं एक त्या भूमीशी एक भावनिक नातं आहे जम्मू काश्मीरशी, प्रत्येकाचे असायला पाहिजे। आणि त्या नात्यानं मी जम्मू काश्मीरच्या भूमीवर शिवसेनेतर्फे उपस्थित राहीन आणि राहुल गांधींबरोबर त्या यात्रेमध्ये सहभागी होईल। मैं भारत जोडो यात्रा में जम्मू काश्मीर यानी जम्मू से मैं शामिल होगा, 20 तारीख को राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले हैं और कश्मीर तक जाएंगे, 30 तारीख को कश्मीर को पहुंचेंगे। एक नौजवान जो नेहरू गांधी परिवार से है और जिस परिवार ने देश के एकता के लिए, सद्भावना के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उस परिवार से एक जवान नौजवान अगर देश जोड़ने के लिए, देश की नफरत मिटाने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है और उनको एक समर्थन में लोग जुटते हैं हर राज्य में, हर गांव में, तो उनका स्वागत देश के प्रधानमंत्री जी ने भी करना चाहिए। तो हम जम्मू कश्मीर जब नांदेड़ में आई थी, महाराष्ट्र में आई थी यात्रा, तो आदित्य ठाकरे जी खुद उसमें राहुल जी के साथ शामिल हुए थे। अभी आखिरी पड़ाव पर यात्रा पहुंच गई है जम्मू कश्मीर में, तो हमारा एक रिश्ता रहा है हमेशा जम्मू कश्मीर से, बालासाहेब ठाकरे जी का एक रिश्ता रहा है जम्मू कश्मीर से, तो मैं राहुल जी के साथ जम्मू में शामिल होऊंगा। सर दावोस को लेकर मेरा एक सवाल है कि दावोस का जो बिजनेस मीट होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पीएम आ रहे हैं तो जो डीसीएम है इसको कैंसिल कर रहे हैं, सीएम इसको कट शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में निवेश को लेकर ये कितने सीरियस हैं? ये यहाँ की सरकार थोड़ी भी सीरियस नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस देश के लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री और उनका प्रतिनिधिमंडल दावोस में जा रहा है जी, गुजरात के भी लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आपने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हम अगली डेट को यहाँ के जो प्रोग्राम है लोकार्पण के अगली डेट को करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को निवेश से ज़्यादा चिंता है, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के लिए ये सब हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, वो सुन लेंगे उनकी बात, और महाराष्ट्र के ऊपर उनका प्रेम भी है, अगर रिक्वेस्ट करती है सरकार की तरफ से तो जरूर प्रधानमंत्री अगली तारीख दे सकते हैं, लेकिन दावोस की अगली तारीख नहीं मिलेगी। लेकिन शिंदे जी हो या फडणवीस जी हो, सबसे पहले राजनीति और बाद में महाराष्ट्र और देश, ये उनका चल रहा है। आज महाराष्ट्र निवेश के मामले में नीचे गिर रहा है पूरे देश में, उनकी फिक्र करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री तो आते जाते रहेंगे, हमारे ही प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे जी। लेकिन जो निवेश एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आएगी। सर आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति के तौर पर कैसे देख रहे हैं, कुछ ही महीने में प्रधानमंत्री दूसरी बार महाराष्ट्र आ रहे हैं और इस बार फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पहले महामार्ग अब मेट्रो और सारी चीजें हैं। देखिए उसमें राजनीति है, मैंने कहा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव को महत्व देने के लिए कि हम कुछ सब कुछ हम कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, ये दिखाने के लिए ये सब चल रहा है। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। सर दाऊद से संदर्भात एक प्रश्न होता, दाऊदचा जो दौरा आहे तो छोटा करण्यात आलेला आहे, त्याच्यानंतर पंतप्रधानांचा दौरा देखील आहे, काय वाटतं दौरा? प्रधानमंत्री एका दिवसासाठी येत आहेत, काही तासासाठी येत आहेत। खरं म्हणजे सरकारतर्फे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांची तारीख बदलता आली असती, पण या राज्यातील गुंतवणुकीपेक्षा त्यांना प्रधानमंत्र्यांचे राजकीय कार्यक्रम, त्याचं लक्ष मुंबई महानगरपालिका आहे, शिवसेनेला त्रास देणं किंवा शिवसेनेचा पराभव करणं हे एकमेव आहे, त्याच्यासाठी त्यांना गुंतवणुकीचा विषय महत्त्वाचा वाटत नाही। प्रधानमंत्री हे आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आहेत, आपले नेते आहेत सगळ्यांचे, ते पुढली तारीख देऊ शकतात। प्रधानमंत्री येत जात राहतात महाराष्ट्रामध्ये आणि याच्या पुढे ते नेहमी येतील, ते कारण त्यांना असं वाटतं त्यांचं सरकार महाराष्ट्रात आलं आहे। पण प्रधानमंत्र्यांना जर विनंती केली तर एखादी पुढली तारीख देतील ते। पण डाओसला जे गुंतवणूकदारांचं संमेलन आहे तिथे पुढली तारीख मिळणार नाही। माझ्या माहितीप्रमाणे या देशातले सर्वच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचं प्रतिनिधी मंडळ चाललं आहे, बाजूच्या गुजरात राज्याचंही चाललेलं आहे आणि आम्ही मात्र इथे अडकून पडलेलो आहोत। मुख्यमंत्री आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्यामध्ये छुपी बैठक झालेली आहे? छुपं काही नसतं। मी दिल्लीत होतो 4 दिवसापूर्वी, प्रकाश आंबेडकर आणि आमची भेट झाली, ही का छुपी होती का? सगळ्यांनी पाहिली, यात छुपं काय असतं? तुम्हाला कळलं, सगळ्यांना कळलं ना भेटले, मग छुपं काय? अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे की देवेंद्रजी आणि प्रकाश आंबेडकरजी भेटले, यात लपून का राहिलं? सर अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है उनकी सरकार है, उसको कैसे समझे सर कि प्रधानमंत्री को लगता है उनकी सरकार है? आज जब हमारी मुख्यमंत्री थे तो उनको लगता नहीं था कि हमारी अपनी सरकार है। सरकार सरकार होती है, चुनी हुई सरकार होती है किसी भी राज्य में, चाहे ममता जी की हो, चाहे तेलंगाना में KCR की हो, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन जी की हो, सभी की सरकार जो होती है वो देश की सरकारें होती है। लेकिन आजकल ऐसा होता है अगर हमारी पार्टी की सरकार नहीं है तो केंद्र सरकार को लगता है अपनी सरकार नहीं है, उसको गिरानी चाहिए।